A very good morning to all of you. Welcome to your next biology class. So, uh, today we are going to start a new chapter that is chapter number 5th, and the name of the chapter is Principle of Inheritance and Variation. So, today we are going to start this chapter. First of all, you have to understand the meaning of what is the meaning of inheritance and the variation. So, I think every one of us heard the word. बैगेट्स वॉट बैगेट्स ये वर्ड आपने सबने सुना होगा वॉट इट मीन्स इट मीन्स वेन लिविंग थिंग्स टेंड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विच आर रिजम्बल टू देम ठीक है जब भी लिविंग थिंग अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो उनके जैसे सिमिलर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं उनको हम बैगेट्स कहते हैं लाइक like, अगर हम uh, वी आर ह्यूमन्स तो हम ह्यूमन्स के बच्चों को ही प्रोड्यूस करेंगे ठीक है एनिमल्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे लाइक सिमिलर सेम विद एनिमल्स दे आर एनिमल्स टू दे ऑल्सो प्रोड्यूस एनिमल्स नॉट ह्यूमन्स ओके सो एग्जैक्टली वट आई एम ट्राइंग टू से सो चिल्ड्रेन आर रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स ग्रेंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और क्या हो जाता है कि मोस्टली देखिए सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो हमारे हम ईजिली रिकोगनाइज कर पाते हैं लाइक like, हम कहते हैं ना कि ही हैज़ इज फादर नोज ही हैज़ हिज मदर चिन और ही हैज़ इज ग्रैंड 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 फादर आईज तो ये दीज आर दम सिमिलरिटीज ओके दीज आर सम रिमार्क्स विच कैन वी विच वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई और दिस इज़ नॉट ड्यू टू द कॉन्सिडेंस कि ऐसा नहीं होता है कि कॉन्सिडेंस से ऐसा होगा but due to which due to which this inheritance these similarities occur due to this inheritance now next is what next is variation so in spite of similarity there are also differences like variations within the species like every individual like in our family or in our neighborhood we can easily डिस्टिंग यूज एक्सेप्ट एक्सेप्ट वॉट एक्सेप्ट आइडेंटिकल टूं आइडेंटिकल टूइंस को छोड़ के बाकी हम सबको ईजिली क्या कर पाते हैं आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्यों क्यों कर पाते हैं क्योंकि देखिए हमारे फादर जो होते हैं वो अलग दिखते हैं हमारी मदर जो हैं मतलब अलग हैं ठीक है हमारे पड़ोसी जो है वो अलग दिखते हैं तो हम उनको ईजिली क्या कर, कर पाते हैं आइडेंटिफाई कर पाते हैं सो वेरिएशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हेरेडिटी कंपोनेंट मीन्स वॉट हेरेडिटी एंड वेरिएशन आर द टू बेसिक ठीक है हेरिडिटी एंड द वेरिएशन आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ सेम सेम फंडामेंटल मैकेनिज्म ठीक है मतलब दोनों एक तरीके का सेम मतलब उसमें आते हैं लेकिन क्या होता है लेकिन एक मतलब एक दूसरे के डिफरेंट एस्पेक्ट है इनहेरिटेंस में क्या होता है सिमिलरिटीज होती थी जिनके थ्रू हम पहचान पाते हैं लोगों को लेकिन वेरिएशन क्या होता है मतलब डिफरेंस बताता है तो ये सिमिलरिटीज हो गए ये डिफरेंस हो गए आई I क्लियर टू एवरी वन सो नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेनेटिक्स ओके वॉट इज जेनेटिक्स द टर्म by बाई विलियम बैटसन इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स ओके तो सर द वर्ड जेनेटिक्स फर्स्ट टर्म वॉज क्वाइंड बाई विलियम बैटसन

ठीक है तो नेक्स्ट इज वॉट नेक्स्ट इज हेरिडिटी तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड वॉट इज इनहेरिटेंस ओके ओकेट स्टडी द डिफिनेशन इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स ठीक है जो एनहेरिटेंस है उसको ही हम लोग हेरिडिटी कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ठीक है तो हेरिडिटी में क्या होता है जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो किसमें ट्रांसफर होते हैं हमारे ऑफिस स्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाते हैं फिर इनहेरिटेंस इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर और देयर ट्रेड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट द कैरेक्टर ऑफ और द सिमिलरिटीज विच आर प्रोसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन ठीक है डिस सेट टू बी हैरिडिटी नेक्स्ट इज वॉट नेक्स्ट इज वैरिएशन सो इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजनी एंड बिटवीन द प्रोजनी एंड द पेरेंट्स ठीक है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द वेरिएशन बट दर इज अ डिफिनी डिग्री ऑफ डिफरेंस इज इन द प्रोजनी ये हमारी प्रोजनी में हमारे जो डिफरेंस होते हैं उसमें और हमारे पेरेंट्स के बीच में और प्रोजनी के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम एग्जैक्टली exactly वर्ड देते हैं एक वर्ड के नाम से बुलाते हैं जिसका जो वर्ड का क्या नाम है वेरिएशन ओके okay. समझ आया इनहेरिटेंस मतलब जो सिमिलरिटीज होती हैं जो हमारे वन जनरेशन तो दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होती हैं और वेरिएशन क्या होता है वेरिएशन होता है जो एक दूसरे से हमें अलग करता है ठीक है ये चीज और फिर ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स यहां पे देखिए दो तीन तीन ब्रांचेस मैंने लिखी हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है